अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप देख लें कि पिपिट को कैसे यूज़ करना है। देखें, ये पिपिट है जिसका वॉल्यूम उसने आपको बताया हुआ है 25 मेल या 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ आपको एक फिलर भी देगा ये, तो ये आप फिलर इसके टॉप पे लगाएं ऐसे करके। इस फिलर को ना आप देखेंगे और से, तो इसमें ई लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। ए का मतलब ये होगा कि मैंने इस बैलून के अंदर से, इस फिलर के अंदर से एयर निकालनी है, तो मैं ए को प्रेस करूँगा तो ये एयर निकल गई। अब इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एस से हम लिक्विड को सक करेंगे, कैसे, ये देखें हमारे पास जो एफ ए थ्री है ना, जो मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें एफ ए थ्री सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फ्लास्क से 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम सक करूँगा। तो ये एस का जो बटन है ना बेटा, एस, ये देखिए, इसको आपने प्रेस करना है। अब ये आप देख रहे होंगे, देखिए बल्ब के अंदर लिक्विड जा रहा है ऊपर। अच्छा थोड़ा सा ना आप लिक्विड ज़्यादा फिल कर लेंगे और बाद में फिर आप इसको, ये देखिए इसमें बबल्स आ गए थोड़े से। इन बबल्स को निकालना होगा वरना आपका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ तक लेकर आना है, ये जो रिंग बना हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा डाला है इसको जब मैं ई से एम्प्टी करूँगा ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बबल होगा तो वो भी बीच में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं ई प्रेस कर रहा हूँ, देखें ये आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा बेटा ये, और इसका लोअर मिनिस्टर्स इस रिंग को टच होना चाहिए और आपका जो आई लेवल है इस रिंग के सामने होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पिपिट करने के बाद कॉनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। देखें ये, अब दोबारा आप ई को प्रेस करें ताकि सारा लिक्विड इसमें आप पोर कर दीजिए, ये आप इसको एम्प्टी कर रहे हैं इनटू द कॉनिकल फ्लास्क बाय प्रेसिंग ई। ई को आपने प्रेस करना है बेटा, ठीक है। और ये आस्ते आस्ते देखें लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, और अभी आप इसको भी टाइट्रेट करेंगे जो ब्यूरेट में आपके पास एफ ए वन है उसके साथ। अच्छा इसमें एक चीज़ देखें जो आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको जल्दी होती है कि टाइम आपने बचाना है प्रैक्टिकल के अंदर, तो अब बच्चे जो है ना इसको बस इतना खाली करते हैं, देखें बस ये किया और छोड़ दिया। भाई इसको खाली करने का तरीका ये है कि आप इसका जो कॉनिकल फ्लास्क का बॉटम है ना उसके साथ इसको दो तीन दफ़ा हीट करें ऐसे करके, ऐसे दो तीन दफ़ा ऐसे करें ताकि ये बिल्कुल खाली हो जाए पिपिट आपका, ठीक है।